हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन पिनोकियो, जो द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो इस स्टोरी बुक से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं उन्होंने पिनोकियो के बहुत सारे एंटिक्स ऐसे स्टोरीज के बारे में द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो में लिख के रखा है। और आपने इससे पहले अगर आपका रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा इस स्टोरी बुक्स को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स है और इसमें ना किसी राजा की कहानी है और ना ही किसी रानी की कहानी है। ये कहानी है एक वुडन पपेट की, जो बोलता भी है और एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करता है। ओके, तो अभी इस लेसन में देखते हैं कि ये वुडन पपेट क्या क्या एंटिक्स करता है, या फिर ये स्टोरी जो है इसमें क्या दिया गया है। ओके, सी पिनोकियो लेसन नंबर 35। आपको आपके इंग्लिश बाल भारती का 77 पेज नंबर ओपन करना है और साथ में नोटबुक और पेन भी साथ में रखना है। ओके, सी लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव अ किंग। यू विल से इमीडिएटली, नो चिल्ड्रेन, यू आर मिस्टेकन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पीस ऑफ वुड, अ कॉमन ब्लॉक ऑफ फायरवुड। अभी देखिए, किसी भी कहानी की अगर शुरुआत होती है तो हम अगर इंसिस्ट करें हमारी नानी को या नाना जी को कि आज मुझे प्लीज़ स्टोरी सुनाइए, तो वो शुरुआत करते हैं, बहुत दिनों पहले एक राजा हुआ करता था। ये जो स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस है वो तो हमें लर्न ही हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं। और आपको यहाँ पे लगता होगा कि यहाँ पे भी ऐसी ही स्टोरी है, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव अ किंग। बट नो, ये आपका अंदाजा कुछ गलत है। ये किसी किंग या क्वीन की स्टोरी नहीं है। नो चिल्ड्रेन, यू आर मिस्टेकन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पीस ऑफ वुड। ये एक कॉमन ब्लॉक ऑफ फायरवुड, जो लकड़ियाँ होती हैं जलाने के लिए। देखिए, हम सभी ग्रामीण विभाग से आते हैं तो हमारे घरों में अभी भी पानी गर्म करने के लिए चूल्हा है ही, तो वो जो लकड़ियाँ होती हैं वो लगा के हम पानी गर्म करते हैं स्नान के लिए, ठीक है, नहाने के लिए। तो ऐसे ही एक कॉमन जलने के लिए यूज़ करने वाले लकड़ी का एक टुकड़ा, अ कॉमन ब्लॉक ऑफ फायरवुड, इट वॉज फाउंड इन द शॉप ऑफ कारपेंटर। और ये जनरली मिलता कहाँ पे है, कारपेंटर की दुकान में, जो लकड़ी से बहुत अलग अलग क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। इसकी ये स्टोरी है। ओके, तो ये स्टोरी हम देखेंगे। सी बट व्हेनेवर ही पुट हिज टूल्स टू द ब्लॉक टू कट इट, टू कार इट और टू स्क्रैप इट, इट बिगैन टू टॉक, ओ दैट हर्ट, डोंट ब्रेक मी प्लीज, ओ दैट टिकल्स। अभी एक बार क्या हुआ, एक लकड़ी का टुकड़ा था, अ कॉमन ब्लॉक ऑफ फायरवुड, जलाने के लिए जो हम लकड़ियाँ लेते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा, तो वो कारपेंटर के दुकान में था। कारपेंटर जो लकड़ी से अलग अलग फर्नीचर बनाता है, जैसे कि हमारे स्कूल में डेस्क बेंचेस होते हैं वो कारपेंटर बनाता है। देन हमारे यहाँ पे बेड होता है, चेयर होती है लकड़ी की, तो उस लकड़ी से वो उसको अच्छे से कट करके उसको फर्निशिंग करके बहुत ही उसके जो टूल्स होते हैं उसका यूज़ करके बहुत ही सुंदर सुंदर फर्नीचर वो बनाता है, उसे बोलते हैं कारपेंटर। और उसी कारपेंटर की शॉप में था ये एक लकड़ी का टुकड़ा। बट व्हेनेवर ही पुट हिज टूल्स टू द ब्लॉक टू कट इट, टू कार इट और स्क्रैप इट, इट बिगैन टू टॉक। जैसे ही वो उस लकड़ी के टुकड़े से कुछ बनाने के लिए जाता था, कार मीन्स वॉट, कार मीन्स टू मेक समथिंग आउट ऑफ वुड और स्टोन, स्टोन से या वुड से कुछ बनाना, मीन्स कुछ चीज़ बनाना, कुछ फर्नीचर बनाना, इसे बोलेंगे हम कार्व। एंड स्क्रैप मीन्स वॉट, स्क्रैप मीन्स वॉट, टू रिमूव
एन अनवांटेड कवरिंग और अ टॉप लेयर फ्रॉम समथिंग, मीन्स किसी चीज़ को अगर अच्छे से बनाना है तो उसका अनवांटेड पार्ट है या फिर टॉप लेयर जो है उसको अच्छे से आकार देने के लिए, अच्छे से उसकी फिनिशिंग करने के लिए उसको टूल्स के साथ कारपेंटर स्क्रैप करते हैं, उसे बोलेंगे स्क्रैप करना, अनवांटेड पार्ट निकाल देना, अलग करना, उसे बोलेंगे स्क्रैप। ओके, तो जब भी वो कारपेंटर उस पीस ऑफ वुड से कुछ बनाने जा रहा था कट करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए या फिर कार्व करने के लिए, कुछ ऐसा अपने टूल्स का यूज़ करने जा रहा था, इट बिगन टू टॉक। वहाँ पे तो मिराकल ही हो गया, एक चमत्कार जैसा हो गया, वो बोलने लग गया, वो पीस ऑफ वुड बोलने लग गया। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, टीचर क्या लकड़ी का टुकड़ा भी कभी बोलता है? तो यहीं पे हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक इमेजिनरी स्टोरीज है। ओके, जो इस राइटर ने बहुत ही बखूबी से लिखी है। ओके, तो ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। तो वो बोलने लग गया और वो क्या बोला, ओ दैट हर्ट, डोंट ब्रेक मी प्लीज, ओ दैट टिकल। अभी जैसे ही कारपेंटर ने टूल्स हाथ में लिए कुछ बनाने के लिए, उससे कुछ चीज़ बनाने के लिए, तो वो बोलने लगा ओ दैट हर्ट, अरे ये तो मुझे चुभेगा, बहुत ही दर्द हो रहा है, डोंट ब्रेक मी प्लीज़, मुझे मत तोड़ो प्लीज़, ओ दैट टिकल, और इससे मुझे गुदगुदी हो रही है, इस तरह से वो बोलने लगा। देन आगे क्या हुआ देखिए, जस्ट देन हिज नेबर जेपेटो केम इन टू आस्क फॉर अ पीस ऑफ वुड, जेपेटो वॉन्टेड टू मेक अ वुडन पपेट दैट कुड रन जम्प एंड मेक इट्स वे अराउंड इन द वर्ल्ड, सो द कारपेंटर रेडिली गेव द पीस ऑफ वुड टू जेपेटो। अभी इसकी आवाज़ सुन के, इस पीस ऑफ वुड की आवाज़ सुन के जो कारपेंटर का नेबरर था जेपेटो, वो अपने हट से निकल के बाहर आया, अपने घर से निकल के बाहर आया और कारपेंटर के शॉप में गया कि इसको कुछ लगा तो नहीं, मीन्स जेपेटो को ऐसा लगा होगा शायद कि इतनी ज़ोरों की आवाज़ आ रही है, कारपेंटर के हाथ को कुछ उसके टूल्स लगे तो नहीं, दर्द तो नहीं हुआ, ऐसा उसे शायद लगा होगा, तो वो इंक्वायरी करने के लिए शॉप में आ गया, कारपेंटर के शॉप में आ गया, कौन, जेपेटो। तो इनटू आस्क फॉर अ पीस ऑफ वुड, जेपेटो केम इनटू आस्क फॉर अ पीस ऑफ वुड। अभी वहाँ पे क्या हुआ कि जेपेटो की कोई फैमिली नहीं थी, वो हमेशा से चाहता था कि मेरा एक बच्चा हो जो रनिंग करे, जंप करे और मेरे साथ पूरे दुनिया की सैर करे, ऐसा वो वुडन पपेट बनाना चाहता था। तो जेपेटो को जब ये वुडन पपेट बोलता हुआ दिखाई दिया तो उसने जल्दी से कारपेंटर को पूछ लिया कि ये तुम्हारे तो कोई काम का है नहीं, ये तुम मुझे दे दो। तो कारपेंटर रेडीली गेव द पीस ऑफ वुड टू जेपेटो। अभी कारपेंटर जब भी उसे उस पीस ऑफ वुड से कुछ बनाने के लिए जाता तो वो बोलने लगता, तो कारपेंटर का भी मन नहीं होता उसको कट करने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ चीज़ उससे बनाने के लिए। तो उसने जल्दी से ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, पीस ऑफ वुड है, वो जेपेटो को दे दिया। देन व्हाट हैपेंड, सी जेपेटो ब्रॉट द पीस होम एंड कार्व इट इनटू अ पपेट lovingly, as he had no family he began to think of the puppet as his son and name him Pinocchio. अभी जेपेटो ने वो पीस ऑफ वुड अपने घर पे लाया, वो लकड़ी का टुकड़ा घर पे लाया और उसने उससे एक वुडन पपेट बनाया, एक पपेट बनाया, पपेट मीन्स व्हाट, एक ऐसा छोटा सा डॉल जैसा दिखने वाला जो बोलता भी वो तो पहले से ही बोलता भी था, एक बहुत ही अच्छा सा उससे पपेट बनाया, एंड लविंगली एज ही हैड नो फैमिली, अभी उसकी कोई फैमिली नहीं थी, जेपेटो अकेला ही रहता था, तो उसने
उस पपेट को ही अपना बच्चा मान लिया और उसका नाम रखा पिनोकियो। देन बट पिनोकियो वॉज क्वाइट अ नॉटी पपेट एज सून एज जेपेटो टॉट इट टू वॉक ही रैन आउट ऑफ द हट ही रैन सो फास्ट द जेपेटो कुड नॉट कैच हिम अ पुलिसमैन कॉट हिम एंड ब्रॉट हिम बैक टू जेपेटो। अभी क्या हुआ कि जेपेटो ने उसको बहुत अच्छे से लविंगली शेप दिया और उसे बहुत ही सुंदर एक क्यूट सा पपेट बनाया, उसको नाम दिया पिनोकियो। और अभी जेपेटो ने जैसे ही उसको चलना सिखाया तो वो बहुत ही नॉटी था, वो चलते चलते दौड़ने लगा, बहुत ही ज़ोर से फास्ट दौड़ने लगा और हट के बाहर निकल गया, जेपेटो की झोपड़ी से बाहर निकल गया। जेपेटो हट में रहता था, झोपड़ी में रहता था, इसका मतलब वो बहुत ही गरीब होगा और ऊपर से उसकी कोई फैमिली नहीं थी, तो पिनोकियो को उसने अपना बेटा माना था। बट पिनोकियो ने हमेशा अपने पापा की बात या फिर जेपेटो के लिए अच्छा साबित नहीं होता था, वो हम आगे देखेंगे। सी जेपेटो टॉट इट टू वॉक ही रैन आउट ऑफ द हट ही रैन सो फास्ट वो बहुत ही फास्ट दौड़ता था। जेपेटो कुड नॉट कैच टू हिम जेपेटो उसको पकड़ ही नहीं पाता था। देन उस एरिया का जो भी पुलिस मैन है वो उसे पकड़ता था और जेपेटो के पास ला के देता था। इतना नॉटी वो पपेट था जो जिसका नाम था पिनोकियो। ओके इन द नेक्स्ट पैराग्राफ सी दिस इज अ पिनोकियो और उसकी नोज देखिए लॉन्ग है, तो इसकी भी एक स्टोरी है, ये भी हमारे लेसन में ही आगे हम देखेंगे। सी दो पिनोकियो वॉज सच अ नॉटी पपेट जेपेटो लव हिम डियरली ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज सन। अभी जेपेटो ने तो उसको खुद का बेटा माना था, देन पिनोकियो वॉज वेरी नॉटी पपेट पिनोकियो एक बहुत ही नॉटी पपेट था, बट स्टिल जेपेटो लव हिम डियरली तब भी जेपेटो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखता था, बहुत ही प्यार करता था और वो अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, उसके कितने भी नखरे सहने के लिए तैयार था। जैसे कि हम कितनी भी शैतानी करें लेकिन हमारे मम्मी और पापा या फिर घर के कोई भी बड़े हमें बहुत ही प्यार करते हैं और हमारी डिमांड्स वो पूरी करते ही रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें ज़्यादा परेशान करें। हम पिनोकियो है क्या? नो। इसीलिए हमें क्या बनना है? अपने मम्मी पापा का अच्छा बच्चा बनना है। ओके देन बट पिनोकियो वॉज नॉट ऑलवेज नाइस टू हिज फादर ही ऑलवेज प्रोमिस टू बी अ गुड बॉय एंड टेल द ट्रूथ एंड ओबे हिज फादर बट मोर ऑफन देन नॉट ही फॉरगॉट ऑल हिज प्रोमिसेस। अभी पिनोकियो जो है वो हमेशा जेपेटो के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, वो प्रॉमिस करता था। क्या प्रॉमिस करता था? ही ऑलवेज प्रॉमिस टू बी अ गुड बॉय, मैं अच्छा बच्चा बनूँगा, मैं हमेशा मेरे पापा से सच बोलूँगा, मैं उनकी बात मानूँगा, वो जैसा चाहते हैं वो मैं वैसा ही करूँगा। इतने सारे प्रॉमिसेस वो अपने फादर को हमेशा करता था और कुछ टाइम होने के बाद, कुछ दिन चले जाने के बाद वो सारे अपने प्रॉमिसेस जो है वो भूल जाता था और उसके मन में जैसा आए वो वैसा ही करता था। ऐसा पिनोकियो हमेशा ही करता था, इसलिए वो ही फॉरगॉट ऑल हिज प्रॉमिसेस, बट थोड़ा टाइम होने के बाद पूरे प्रॉमिसेस जो उसने किए हैं वो वहाँ पे भूल जाता था। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट पेज पेज नंबर 78 पे सी पिनोकियो वॉन्टेड टू बी अ रियल बॉय अ रियल सन टू हिज फादर एंड नॉट जस्ट अ वुडन पपेट ही मीन्ट वेल बट ही वॉज ओनली अ लिटिल वुडन पपेट एंड डिड सिली थिंग्स ही शुड नॉट हैव डन। अभी
पिनोकियो खुद भी चाहता था कि मैं और बच्चों की तरह अपने पापा का एक रियल सन बनूं, अच्छा बच्चा बनूं, सच्चा बच्चा बनूं, मैं उनकी बात मानूं, उनके साथ हमेशा सच बोलूं। बट ऐसा वो जब भी करने के लिए जाता तो कुछ ना कुछ वो अलग ही कर देता था, कुछ ना कुछ गलत ही वो करता था। देन ही मीट वेल बट ही वॉज ओनली अ लिटिल वुडन पपेट एंड डिड सिली थिंग्स ही शुड नॉट हैव डन। जो उसको नहीं करना चाहिए था वैसी ही थिंग्स या वैसी ही बातें वो करता था, और वो एक सिली वुडन पपेट की तरह ही बिहेवियर करता था। जब भी वो कुछ अच्छा करने के लिए जाता तब भी उससे कुछ गलत ही होता। देन यू कैन रीड अबाउट ऑल हिज एंटिक्स इन अ बुक कॉल्ड द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो, बट हियर आर सम ऑफ देम इन शॉर्ट। अभी इस लेसन में कुछ ना कुछ बहुत सारे उसके एंटिक्स के बारे में, एंटिक्स मीन्स व्हाट, सिली और स्ट्रेंज बिहेवियर। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिली या फिर स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं कि उनको देख के कुछ लोगों को अजीब सा लगता है कि यार कैसा बच्चा है। इस तरह किसी के क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसा ही पिनोकियो बिहेव करता था। वो कैसा करता था कि कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए जाता लेकिन उससे वो गलत ही हो जाता, तो वो सिली वुडन पपेट की तरह ही बिहेवियर करता था। देन उसके इस एंटिक्स के बारे में एक बुक लिखी है एक राइटर ने, तो उस बुक का नाम है द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो। द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो ये बुक है, ये बहुत ही फेमस बुक है, द अरेबियन नाइट्स की तरह ही एक फेमस बुक है जो आप पढ़ने के लिए ले सकते हो। उसमें पिनोकियो के एंटिक्स के बारे में सब कुछ बताया गया है, बट हमारे लेसन में कुछ शॉर्ट स्टोरीज है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आपको यहाँ तक लेसन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बचा हुआ जो रिमेनिंग लेसन है वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। यहाँ तक आप लेसन अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।